आनंदपाल की बेटी ने रखा क्राइम की दुनिया में कदम। आनंदपाल गैंग को दुबई से करती है ऑपरेट। राजू ठेहट हत्याकांड में चीनू है आरोपी। चीनू पर रखा राजस्थान पुलिस ने 25,000 का इनाम। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, जिसे मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर किया, अब उसी की बेटी चीनू ने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख दिया है। पुलिस ने आनंदपाल की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चीनू को गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में आरोपी मानते हुए उस पर इनाम की घोषणा की है। राजस्थान पुलिस की तरफ से चीनू पर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। यही नहीं, आनंदपाल सिंह का कभी राइट हैंड रहा बदमाश बलवीर बानुड़ा के बेटे सुभाष पर भी इनाम घोषित हुआ है। कुल 23 बदमाशों की जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी करते हुए बताया कि आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 23 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा इनाम की राशि घोषित की है। इसमें 10 अभियुक्तों पर 25,000 और 13 पर 15,000 रुपए के इनाम राशि घोषित की है। आपको बता दें कि गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। कई जगह छापेमारी के बावजूद पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसमें आनंदपाल की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चीनू के दुबई में होने की सूचना है, जो वहीं पर बैठे आनंदपाल गैंग को ऑपरेट कर रही है। राजू ठेहट हत्याकांड में उसका नाम आने के पीछे की वजह यही है कि राजू ठेहट और आनंदपाल सिंह में वर्चस्व की लड़ाई थी। काफी सालों से दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इसलिए ठेहट गैंग ने ही आनंदपाल पर कई बार हमला किया और बीकानेर जेल में हुए हमले में आनंदपाल के करीबी बलवीर मानुड़ा मारा गया। फिर आनंदपाल का राजस्थान पुलिस ने एनकाउंटर किया, तभी से आनंदपाल की बेटी चीनू और बलवीर बानुड़ा का बेटा सुभाष बानुड़ा राजू ठेहट के पीछे पड़े थे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।